15-16 साल से आप आ रहे हैं काम करने? अरे वाह। और कटहल कैसे है? कटहल 60 रुपए। बाबा रे, हो गया प्यार मोहब्बत भरत मिलाप। चलो चलो चलो, चलो तुम तो आशीर्वाद दे दी मम्मी और प्रणाम भी कर ली। ओम शांति, जय श्री राम। मौली देखिए ना, मौली वहाँ से किसे झांक रही है। आ रहे हम थोड़ी देर में ना, वहीं पे रहना। आ रहे सब्जी लेकर के, वहीं पे रुकना। Hey guys, good morning. Welcome back to this new video. उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक है, क्योंकि मेरे साथ आप लोग जैसे बहुत अच्छे अच्छे सपोर्टर्स हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो अभी तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। Guys, आज है 17 फरवरी और अभी 10:54 हो रहा है और अभी ना जा रहे हैं फटाफट से, पूजा पाठ अभी तक हमने किया है करके और सेंटर निकलना है। मौली को अभी जस्ट स्कूल से लाए, सबको हेलो बोल दो, नमस्ते बोल दो हाथ जोड़ के बेटा। नमस्ते। अच्छे से नमस्ते। अच्छे से हाथ जोड़ के नमस्ते, नमस्ते। अच्छे से बोलना चाहिए ना बेटा, नमस्ते। हाथ जोड़ के अच्छे से नमस्ते। अच्छे से इधर देख के नमस्ते। हाथ जोड़ के नमस्ते। थैंक यू बेटा, इतना बार बोले लेकिन इरिटेट नहीं हुई। 7 बार तो बोला ही होंगे। देखो डॉल को ऐसे नंगू बाबू मत रखो, जाके डॉल को फटाक से पहनाओ। तो गाइस अभी ना पहले हम पूजा पाठ कर लेते हैं और मम्मी पापा लोग को भी रेडी करते हैं सेंटर जाने के लिए। रेडी हो गए, मम्मी रेडी है, पापा नहा रहे हैं, फिर निकलते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी ना 11:30 बज गया और अभी जा रहे हैं थोड़े देर के बाद सेंटर निकल रहे हैं। मोटर अभी काहे चला दी निकी? अच्छा 2 मिनट बंद कर रहे हैं ना, कहे कि आवाज़ आने लगेगा वीडियो में भी। अगर इस निक्की का ना, तुम्हारा गाल कैसा है? अभी फूला ही हुआ है, मतलब फूला हुआ है लेकिन अभी दर्द कुछ कम है ना? दर्द कम है कल से निक्की का, लेकिन ना अभी फूला हुआ है, कोई ठीक हो जाएगा ये भी। नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और हम ना अभी मतलब लेट हो ही गया मेरा थोड़ा, अभी हम भोग प्रसाद लगाए हैं, अभी हम पूजा पाठ किए और भोग प्रसाद बाबा को अभी लगाए। अभी यहाँ पे बैठते हैं ना, हमको बड़ा शांति लगता है, पता है गाइस, मतलब शांति का सुकून, हम सुकून कहीं भी ढूंढे हैं ना तो वो मंदिर में ही ढूंढे हैं, पता है, और हमको कहीं शांति नहीं मिला है। हम सही बता रहे हैं, मतलब इतना जगह हम दौड़े हैं ना, हम हर जगह गए, जहाँ जहाँ मन सोचे वहाँ हम चले गए हैं, और लेकिन सुकून वही मिला है मतलब। और अभी जैसे यहाँ पे बाबा जब से आए हैं ना, मधुबन से आए हैं, मतलब माउंट आबू की एक दीदी है, उनसे मेरा बातचीत होता है। सोचिए मधुबन से बाबा खुद मेरे घर आ गए, तो ये तो बड़ा बात है ना। आप लोग भी यहाँ पे देख लीजिए और हो सके तो अपना नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी के सेंटर जरूर से एक बार विजिट कीजिएगा, और जो 7 डेज का कोर्स होता है ना, उसको जरूर से एक बार करने का कोशिश तो जरूर से कीजिएगा। यहाँ पे मेरा बच्चा, ये देखिए कैसे बदमाशी कर रहा है, क्या कर रही हो बच्चा? चलो चलो चलो, चलना है सेंटर। टिफिन पे पेस्ट्री, पेस्ट्री तुम खाई थी तो तुम्हारा पॉटी होने लगा था ना? मम्मा पेस्ट्री दो ना। मत खाओ पेस्ट्री, लगता अच्छा नहीं था बेटा। अच्छा दे दो निकी, आधा दे दो, आधा दे दो, दे दो आधा। गाइस यहाँ पे सबको रेडी हो गए हैं, यहाँ मौली तो अपना कार्टून लगा के जला देती है ना, तो मम्मी पापा भी फिर यही देखते हैं। मम्मी भी तैयार हो गई है, मम्मी भी एप्पल खा रही है, पापा भी तैयार हो गए हैं। गाइस पापा पहले से थोड़ा कम हिल रहे हैं ना? हाँ पहले कुछ ज्यादा हिलते रहते थे ना, अभी अभी कुछ कम हिल रहे हैं, है ना? आप लोगों को कैसा लग रहा है पापा पहले से? हम छूट गया। अच्छा वो देंगे, हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हम ना थोड़ा विश्वास करते हैं, हम बहुत बड़े बिलीवर है पता है ना, तो हम जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी से, हाँ तब से मन का शांति है, शांति बहुत है, मन में शांति है। हाँ मैं तो सब बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। चलो तुम तो आशीर्वाद दे दी मम्मी
और प्रणाम भी कर ली। ओम शांति, जय श्री राम। तो गाइस अभी ना ऑटो वाले भैया को बुलाते हैं और हम लोग निकलते हैं, ठीक। तो गाइस अभी ना हम लोग निकल रहे हैं, ऑटो वाले भैया आ गए हैं, मौली को भी ले जा रहे हैं क्योंकि आज सैटरडे था तो मौली का छुट्टी थोड़ी जल्दी हो गया था। क्या हाल है भाभी? हाँ, कौन? छोटी मम्मी, मेरी मम्मी। हाँ घर पे है लेकिन अभी सेंटर पर निकल गया। अभी पहुंच गए यहाँ सेंटर पे। आइए पापा। चल। हिंदू है क्या? हिंदू है दीदी। बेल बजा देते हैं। यहाँ पे बेल है गाइस, बेल बजा दिए। दीदी अभी खोल देगी दरवाजा। ये पता है घर ही है, मतलब घर जैसा ही है यहाँ पे। दीदी को जो सेंटर मिला है। यहाँ मौली भी आ गई। मौली बहुत लकी है, पता है? मौली बहुत खुश नसीब है कि ये छोटे से एकदम सेंटर पे आ रही है ना? हम लोग को तो छोटे में पता भी नहीं था, है ना? ओम शांति दीदी। ना दीदी, अभी हम मम्मी को बोल रहे थे कि मौली बहुत लकी है, बहुत खुश नसीब है कि छोटे से सेंटर पे आ रही है ना? हम लोग को तो छोटे में इतना खबर नहीं था। लेकिन ये छोटे से ही पहुंच गई। तो गाइस अभी पहुंच गया सेंटर पे और पहले मम्मी पापा हम लोग सब लोग कोर्स कर लेते हैं। हम तो किए हुए हैं लेकिन मम्मी पापा लोग करवा देते हैं। तो गाइस अभी ना यहाँ का खत्म हो गया है, मतलब सारा कुछ कोर्स तो चल ही रहा है। आधा लेसन लगभग हुआ है। अभी इधर आ रहे हैं मौली, देखिए ना मौली वहां से किसी झांक रही है। आ रहे हम थोड़ी देर में ना, वहीं पे रहना। आ रहे सब्जी लेकर के, वहीं पे रुकना। कैसे क्लास है भैया? 15 रुपए। आ रहे हैं। हम सोच रहे कि इधर आ ही जाते हैं तो 2-4 सब्जी ले लिया जाए। तो अभी थोड़ा बहुत सब्जी ले लेते हैं सब्जी मार्केट से, उसके बाद ऑटो वाले भैया को बुला लिया, उसके बाद निकलते हैं घर। तो गाइस यहाँ पे ले ले रहे हैं टमाटर, 20 रुपए किलो टमाटर दे रहे हैं बाबा। बाबा कहाँ घर है आपका? पड़वा मोड़ से आगे है। यहाँ पे आप सब्जी बेचने डेली आते हैं? डेली आते हैं। अरे वाह, कब से आ रहे बाबा? हमारा ज्यादा दिन हो गया। ज्यादा दिन हो गया, मतलब कितना? 5 साल? 5 साल से ऊपर हो गया, करीब 15-16 से कम हो गया। 15-16 साल से आप आ रहे हैं काम करने? हाँ। अरे वाह। और कटहल कैसे है? कटहल 60 रुपए है। तो एक कटहल भी चढ़ा दीजिएगा। तो अभी ले लेते हैं सब्जी। और इधर पता बहुत फ्रेश बहुत बढ़िया सब्जियाँ मिलता, सब्जी मार्केट ही है ये पूरा एकदम। ये देखिए हम दिखा देते हैं, पूरा एक लाइन से सब्जी मिलता है। उधर साइड भी मिलता है लेकिन अभी हम उधर नहीं जाएंगे, यहीं पे ले लेते हैं। आते हैं दीदी कल, ठीक है? ओम शांति। दीदी वो वहीं के लिए है।
तो अभी निकलते हैं यहाँ से। हाँ चलिए। अरे बकरी हम लोग के पास आ रहा था। आइए पापा। बकरी कहाँ गया? बकरी आ गया देखो। हाँ हाँ बैठो मौली, अच्छे से बैठो, उधर नाली है, अच्छे से बैठो। तो गाइस अभी जस्ट घर आए, कितना टाइम हो गया, 2 बज गया। निक्की पता नहीं क्या बना रही है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है जी। क्या बना रही हो? सब्जी। अरे वाह, इसमें का है? अच्छा चावल बन गया है? चावल दाल बन गया है। वाओ गाइस, निक्की तो एकदम खाना वाला बना दिया, चावल बना दिया, दाल बन गया है, भुंजिया बना रही है। अब पता है कुछ खा के नहीं गया था ना, भूख लग रहा है, अभी तो खाएंगे खाना, तो पहले खावा लेते हैं। मम्मी पापा को भी भूख लगा होगा। तो गाइस अभी ना मौली भी रेडी हो गई है ट्यूशन जाने के लिए। हाँ, और देखिए मौली ना अपना स्वेटर के ऊपर में स्मार्ट वॉच लगाई है। गाइस मौली को स्मार्ट वॉच पहनने का बहुत शौक है, और ये मौसी भेजी है, रागनी जी भेजी है, आंटी जी लोग भेजी है। मौली देखे कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ? अरे बदमाश वाह, ट्यूशन जाओ बटाक से। लो अपना बैग, ये रहा इसका बैग। खेलने के लिए बैग में जाएंगे। अच्छा अच्छा दादी, खेलने के लिए बैग। बैग ये आज नया बैग निकाली है मौली अपने ट्यूशन के लिए। ये बैग सलोनी जी भेजी थी। टाइट नहीं है बेटा, सही है, मत बांधो। चलो चलो जाओ। बाबा रे हो गया प्यार मोहब्बत भरत मिलाप। चलो चलो चलो, अरे चलो हो गया हो गया हो गया, चलो हो गया, अब जाने दीजिए पापा, ट्यूशन का टाइम हो गया। ट्यूशन का लेट होला। हाँ हाँ हाँ, कितना टाइम हो गया? 4:30 बजे 4:15 बजे। गाइस पता है अभी तो मौली ट्यूशन गई ना, वो चली जाती है ना तो घर थोड़ा शांत शांत हो जाता है। अभी 4:30 बज रहा है, हम बना रहे चाय मम्मी पापा के लिए, तो पहले मम्मी पापा को चाय दे देते हैं। गिर भी गया यार, हम कुछ भी बनाते हैं ना तो ऐसे ही होता है मेरे साथ हमेशा। अब पता है हम कहीं बोले, हम नहीं बोलेंगे, अभी निक्की बनाती है, निक्की काम एकदम परफेक्ट करती है। हाँ अभी चाय दे देते हैं पहले पापा को। पापा कोचिंग क्या चाय रखते हैं? यहाँ रख दे रहे हैं। अच्छा पापा को खाना था अमरूद, नहीं हम नहीं खाएंगे। आप मम्मी रख दे बेटा, यही रख दे। सो यही मतलब लेटी हुई है, इसका चाय मलाई मार के रख देते यहाँ। तो गाइस अभी ना हो गया शाम, शाम का बज रहा है 7, और हम ना दियावत्ती कर लिया है, दियावत्ती हो गया है, निक्की ट्यूशन पढ़ा रही है बच्चा लोग को। शाम का दियावत्ती हो गया है और निक्की बच्चा लोग को ट्यूशन पढ़ा रही है। पापा हनुमान चालीसा सुन रहे हैं, पापा हनुमान चालीसा सुन रहे हैं, और मम्मी किचन में हम चले, हमको ना भूख लगा है, थोड़ा सा हम चावल खाएंगे, चावल दिन का बचा हुआ था, मेरा ये आदत है बचा हुआ भी रहता है ना, हम खा लेते हैं। मम्मी तो यहाँ पे बर्तन उर्तन मांझ रही है, बर्तन धो रही है मम्मी, और ये रहा मेरा चावल, चावल सब्जी, अभी हम चले खाने। प्लीज कुछ तौली मंगा दीजिएगा मम्मी, जब हमको मालिक तो घर चढ़ के भाग जाएंगे। गाइस गाइस 5 ट्रॉली मंगा दीजिएगा, जब मम्मी हमको मारेगी तो हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, यही सब बोलना चाहिए गंदू। एक तो मंगा के ट्रॉली और मेरे पास बैग सब टांग के दे जाऊंगे। अच्छा तो अभी सब लोग एक जगह बैठ करके हम लोग यही काम कर रहे हैं, कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं। निक्की भी अभी कपड़ा फोल्ड कर रही थी, मम्मी भी बैठ के कपड़ा फोल्ड कर रही थी, सारा लखठो खाना है, लो लखठो खाओ, हम लखठो और री लेकर के बैठे खाने के लिए। लखठो नहीं भाभी कान निकाले हैं, लखठो और री चूड़ा। पता वो किसी का सुबह पे बर्थडे था। अच्छा और हमको चॉकलेट मंच मिला था,
चॉकलेट पे मंच मिला था और पोनू मैम हम लोग को केक दी थी पिंक ऐसा हुआ स्प्रिंकल्स वाला। अच्छा नाना जी देखो इतना सारा लक्ठो दे दिए। अब मौली ना गाइस देखिए कितना सुंदर स्वेटर के ऊपर में अपना लगाई है स्मार्ट वॉच। मत ना ऐसे मुंह में लो बेटा, प्लास्टिक मुंह में नहीं लेना चाहिए। पापा भी बैठे हुए हैं, मुंह में नहीं लो बेटा प्लास्टिक, लो खाना है लट्ठो तो निकाल के लेके खाओ। यहाँ हो गया था रात, मतलब उस समय रात हो गया था। उसके बाद क्या हुआ ना कि मौली ना जिद करने लगी कि तुम मेरे साथ खेलती नहीं हो, तो यह सारा अपना टॉयज निकाल करके ये क्यूब वाला टॉय और बैठ गई और हम मोबाइल लेके बैठे हुए थे। लेकिन फिर मोबाइल हम क्या किए कि कैमरा ऑन करके फिर रख दिए साइड में, रिकॉर्ड भी हो रहा था, हम इसके साथ खेल भी रहे थे। तो इसको भी मन करता है ना कि मेरे साथ कोई खेले, तो ऐसे तो बच्चा लोग के साथ खेलती है लेकिन फिर भी। और गाइस पता है ये चीज़ बताना था, देखिए हम यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। मौली के पापा मैसेज किए थे कि हमको मौली से मिलना है, तो फिर हम बोले कि ठीक है जब भी आप बोले तो मिल लीजिए। और हम भी अनब्लॉक कर दिए, वो भी अनब्लॉक कर दिए हैं। ये जो ब्लॉक ब्लॉक करने वाला खेल था वो ख़त्म हो गया फाइनली, तो उनके स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन हाँ ये चीज़ बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि ये क्या है सीन, मतलब दो तीन साल के बाद, दो साल के बाद बेटी का याद आ रहा है। मतलब ठीक है होगा उनका भी कुछ अपना मजबूरी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जो भी हम, ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए कुछ भी कर रहे हैं या फिर हम प्यार में बेवकूफ़ बन रहे हैं या फिर जो भी, लेकिन उनको बच्चे से मिलना है, बच्चे के लिए वो करे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए ना सोचे, हम नहीं बोल रहे कि मेरे लिए सोचिए, मेरे लिए कीजिए। अभी हम खुद में खुद से हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं ना, तीन साल से अलग है तो हम खुद ही कर रहे हैं ना। उनका तो तीन रुपया नहीं जान रहे हैं, लेकिन हाँ बच्चा उनका भी है, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, ये था उनका मैसेज। और उनको पता है कि अभी हम सोशल मीडिया पे है, तो सोशल मीडिया पे मेरा सब कुछ है हम, और सोशल मीडिया ही अभी तक हमको रखा भी मतलब सही ठीक ठाक से, क्योंकि अलग होने के बाद ऐसा नहीं था कि कहीं से हमको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट था या फिर कुछ भी नहीं था। हम ये चीज़ पहले भी बोले हैं कि हम जब मतलब हम लोग जब अलग हुए थे, जब वो छोड़े थे, तो मेरे हाथ में 5 रुपया नहीं था। इवन हम बच्चे के एडमिशन के लिए सोच रहे थे कि हम कैसे एडमिशन दिलाएंगे, ये सारा कुछ। लेकिन ठीक है अगर हम संभले भी फाइनेंशियली तो वो सोशल मीडिया ही था। इवन बहुत लोग यहाँ जानते भी होंगे कि मेरा चैनल भी डिलीट करवाया गया था, किस तरह से। आज भी मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है सारा कुछ, जो चैनल मेरा डिलीट हुआ था। और लोग जो पिछले एक साल से देख रहे हैं वो आज भी हमको जानते होंगे, तो बीच में मेरा चैनल डिलीट हुआ था ये लोगों को पता भी है अच्छे से। तो यही था, और उनका मैसेज आया है, हम भी मैसेज रिप्लाई कर दिए कि जब भी आप बोलिए मिलने के लिए तो मिल लीजिएगा, हमको क्या दिक्कत है भाई, आपका भी बच्चा है मेरा भी बच्चा है ऐसा। तो यही था गाइस, अपना अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपना रखिएगा कि ये कोई चाल तो नहीं है, क्योंकि हमको किसी का कुछ भी चाल वाल तो समझ में आता नहीं है। हम लोग जो है ना सामने है और ऐसे ही है। अब पता नहीं लोगों को जो भी लगे, कुछ लोगों को, हर लोग को नहीं लगता है। गाइस थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ हमेशा बने रहने के लिए, इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। हम माँ बेटी या फिर मेरा फैमिली सब लोग जैसे हैं, जो भी हैं आप लोग, सबको पता है सोशल मीडिया पर ही है और किस वजह से सोशल मीडिया पर आना पड़ा, क्या है नहीं है, सारा कुछ पता है। तो फिलहाल अपना अपना जो सजेशन है ना गाइज़, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिएगा, ज़रूर से। एक एक लोग का रिप्लाई, एक एक लोग का कमेंट मायने रखता है मेरे लिए। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना अपना 30 सेकेंड या 1 मिनट का वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पर ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मौली का बर्थडे आने वाला है, सभी का वीडियो हम अपने वीडियो में एडिट करके मर्ज ज़रूर करेंगे, उसमें मौली को विश ज़रूर कीजिएगा और आप कहाँ से हैं वो बताइएगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू।